हेलो दोस्तों, आप सभी को क्यूरियोसिटी वर्ल्ड में स्वागत है। मैं हूं सनी और आज के इस वीडियो लेक्चर में एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, जिसका नाम है स्पेसिफिकेशंस। तो स्पेसिफिकेशन क्या है, कैसे इसको बनाया जाता है, वो हम देख लेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्पेसिफिकेशन क्या है। स्पेसिफिकेशन इज अ स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन कंटेन्स डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल वर्कमैनशिप एंड मटेरियल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इन अकॉर्डेंस विद इट्स ड्रॉइंग एंड डिटेल्स। तो स्पेसिफिकेशन मतलब इसमें हमारा जो इंजीनियरिंग जो भी काम चल रहा है, वो सभी चीज़ें का जो हमारा वर्कमैनशिप है, जो मटेरियल है, जो जो मटेरियल्स यूज़ हुआ है, जो लेबर से लेबर कितना कितना यूज़ हुआ है, क्या क्वालिटी का हमारा मटेरियल्स यूज़ हो रहा है, उसका हम कंप्लीट डिटेल्स देते हैं स्पेसिफिकेशन में। उसके साथ हमारा ड्रॉइंग्स रहता है, ठीक है। सो टेक्निकल ड्रॉइंग ऑफ ए स्ट्रक्चर विल शो द प्रोपोर्शन एंड रिलेटिव पोजिशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ए स्ट्रक्चर। सो हमें टेक्निकल ड्रॉइंग में क्या होता है, टेक्निकल ड्रॉइंग में हमारा जो प्रोपोर्शन होता है, क्या क्या साइज का चीज चाहिए होगा, कितने डायमेंशन का चाहिए होगा, और उन सभी चीज़ों का जो हमारा रिलेटिव पोजिशन हम ड्रॉइंग में दिखाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा भी होता है जो हम ड्रॉइंग में दिखा नहीं सकता। मेनी अ टाइम इट इज नॉट पॉसिबल टू फिनिश द इन्फॉर्मेशन ऑन द ड्रॉइंग रिगार्डिंग द क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी हम मैंशन नहीं कर सकते हमारे ड्रॉइंग में। ड्रॉइंग में सिर्फ हमारा प्रोपोर्शन एंड डायमेंशन मैंशन कर सकते, क्वालिटी मैंशन नहीं कर सकते। क्वालिटी ऑफ मटेरियल टू बी यूज एंड द क्वान्टिटी ऑफ वर्कमैनशिप, मतलब कितने लेवल से होगा, क्या क्या चीज़ सही होगा, वो भी मेंशन नहीं कर सकते हमारे ड्राइंग में। तो उन सभी का हमारा क्या करना पड़ता है, हम एक सेपरेट डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं हम हमारा स्पेसिफिकेशन। द वर्कमैनशिप टू बी यूज्ड अचीव ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ स्पेस। और क्यों नहीं हम कर सकते ड्राइंग में मेंशन, क्योंकि ड्राइंग में सब कुछ मेंशन करने से वो बहुत ज़्यादा क्लमजी हो जाएगा चीज़ें, और स्पेस भी ज़्यादा नहीं होता ड्राइंग में। तो उसी चीज़ के लिए हम ड्राइंग में मेंशन नहीं करते सब चीज़ें। दिस डाटा रिगार्डिंग टू द मटेरियल एंड वर्कमैनशिप इज कन्वेड इन ए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स, दिस इज नोन एज स्पेसिफिकेशन ऑफ द वर्क। जो मैंने पहले बोला कि वो जो सेपरेट डॉक्यूमेंट में हम मेंशन करते हैं स्पेसिफिकेशन, जिसको बोला जाता है। सो अब हम देख लेते हैं हमारा जो एम्स है, वो एम्स ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या क्या है। स्पेसिफिकेशन ऑफ ए वर्क इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर ए कंस्ट्रक्शन वर्क। जो हम काम करते हैं जो पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन वर्क में काम होता है, उसमें बहुत सारे पर्टिकुलर वर्क होते हैं, सेपरेट वर्क करते हैं, ब्रिक वर्क, फाउंडेशन वर्क, अर्थ वर्क, इन सभी चीज़ में बहुत सारे चीज़ें चाहिए होता है, डिफरेंट आइटम चाहिए होता है, डिफरेंट टूल्स, प्लैंक्स, डिफरेंट टाइप के लेवर्स चाहिए होता है, बहुत सारे मटेरियल चाहिए होता है, जिसका क्वालिटी भी डिफरेंट हो सकता है। सो उन सभी चीज़ों को हम मेंशन करते हैं स्पेसिफिकेशन में। इसमें हमारा क्वालिटी ऑफ मटेरियल भी मेंशन करते हैं, फिर क्वांटिटी ऑफ वर्कमैनशिप वो भी मेंशन करते हैं। सो ये हमारा पहला एम है। सेकंड एम क्या है, स्पेसिफिकेशन ऑल्सो सिग्निफाइज द वर्कमैनशिप एंड द मेथड ऑफ डूइंग द वर्क। सो स्पेसिफिकेशन में हम स्पेसिफाई करते हैं वर्कमैनशिप के बारे में, किस कैटेगरी के हमारा जो लेबर से हो गए, मिस्त्री, बिस्ती, देन हमारा मैसन, ये सभी चीज़ जो होता है ना, वो सभी चीज़ हम मेंशन करते हैं। और मेथड ऑफ डूइंग वर्क, वो डिफरेंट वर्क होते हैं हमारा, वो वर्क को करने का तरीका हम मेंशन करते हैं स्पेसिफिकेशन में। और स्पेसिफिकेशन फॉलो करके ही हमारा जो वर्कमैन है, वो हमारा वर्क कंस्ट्रक्शन साइट में करते हैं। तो स्पेसिफिकेशन इज नेसेसरी टू सिग्निफाइज द इक्विपमेंट्स एंड प्लांट टू बी एंगेज इन ए वर्क। तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन में जो जो चीज़ें चाहिए होता है, एक इंजीनियरिंग टूल चाहिए होता है, बहुत सारे प्लांट चाहिए होता है, वो सभी चीज़ हमारा स्पेसिफिकेशन में मेंशन किया जाता है। और एक एम है कि वो है एंड कॉन्ट्रैक्टर कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क इन द टेंडर विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिकेशन। समझ गए होंगे कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो हमारा डिफरेंट आइटम्स का रेट्स जान सकते हैं, पता कर सकते हैं, और एक एस्टिमेट भी बना सकते हैं, एक एस्टिमेट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिकेशन। सो हमारा एम तो हो गया, अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या होता है। सो हमारा स्पेसिफिकेशन दो टाइप के होते हैं। पहला जो टाइप है वो है जनरल स्पेसिफिकेशन, एंड दूसरा जो टाइप है वो है हमारा डिटेल स्पेसिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं हमारा जो दो डिफरेंट टाइप है, वो डिफरेंट टाइप का क्या क्या, कैसे कैसे हम इसको बनाते हैं, उसको हम इन डिटेल देख लेते हैं। तो जनरल स्पेसिफिकेशन गिव्स द नेचर एंड क्लासिफाइड इन मटेरियल्स इन जनरल टर्म्स। ये जनरल टर्म्स में हमारा जो डिफरेंट वर्क है उसको मेंशन करते हैं, इन जनरल टर्म्स टू बी यूज्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ वर्क फ्रॉम द फाउंडेशन टू द सुपरस्ट्रक्चर। फाउंडेशन से लेके जो हमारा ऊपर तक सुपरस्ट्रक्चर तक हमारा जो जो काम है, उन सभी काम का जैसे जैसे मेथोडोलॉजी है, क्या क्या प्रोपोर्शन है, वो सभी चीज़ें हम मैंशन करते हैं। इन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट आइटम डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्क स्पेसिफाई मटेरियल्स मैंशन करते हैं, क्या क्या मटेरियल चाहिए होता है, देन हमारा जो प्रोपोर्शन चाहिए होता है वो प्रोपोर्शन हम मैंशन करते हैं, हमारा जो क्वालिटीज चाहिए होता है क्वालिटीज मैंशन करते हैं। जनरल स्पेसिफिकेशन गिव्स ए जनरल आइडिया ऑफ द होल वर्क और स्ट्रक्चर एंड आर यूजफुल इन प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट। तो ये एक जनरल आइडिया देते हैं, इसको डिटेल में नहीं मेंशन किया जाता है।
सो जनरल स्पेसिफिकेशन का एक एग्जांपल हम मैं दिखा देता हूँ, जिसको मैं पढ़ने नहीं वाला हूँ इन डेप्थ, वो आप लोग पढ़ेंगे, पढ़ने से समझ में आ जाएगा क्या क्या है ये, तो आप पढ़ने से समझ में आ जाएगा इसको, इसके समझाने वाला कोई बात नहीं है। तो जनरल स्पेसिफिकेशन में आप देख सकते हैं जनरल स्पेसिफिकेशन ऑफ ए फर्स्ट क्लास बिल्डिंग, एक फर्स्ट क्लास बिल्डिंग बनाने के लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, फाउंडेशन का, फाउंडेशन एंड प्लिंथ का क्या 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 चाहिए होता है, ब्रिक क्वारीन फाउंडेशन एंड प्लिंथ शेल बी ऑफ द फर्स्ट क्लास ब्रिक इन सीमेंट और लाइम मोटर और सीमेंट और लाइम कॉन्क्रीट। सो ऐसे फाउंडेशन का कैसे काम किया जाता है, फिलिंग का कैसे काम किया जाता है, डैम प्रूफ कोर्स कैसे दिया जाता है, सुपर स्ट्रक्चर में क्या होता है, रूफिंग क्या होता है, फ्लोरिंग क्या होता है, फिनिशिंग, डोर्स एंड विंडोज एंड मिसिलिनियस, ये सभी चीज़ें इन जनरल दिया जाता है, डेप्थ में कुछ नहीं दिया जाता, डेप्थ में इन डिटेल में नहीं दिया जाता। सो अब हम देख लेते हैं जो हमारा डिटेल स्पेसिफिकेशन है। सो डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ एन आइटम स्पेसिफाइज द क्वांटिटीज एंड क्वालिटीज ऑफ मटेरियल, द प्रोपोर्शन ऑफ मोटर, वर्कमैनशिप, द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन एंड द मेथड ऑफ मेजरमेंट, ये सभी चीज़ें इन डिटेल मेंशन किया जाता है, क्वांटिटीज कितना है, क्वालिटीज कितना है मटेरियल का, फिर प्रोपोर्शन ऑफ मोटर का प्रोपोर्शन क्या है, वर्कमैनशिप क्या क्या है, कैसे कैसे लेवरेज सही होता है, द मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं और इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं वो भी दिया जाता है, और कैसे हम मेजर करते हैं वो भी चीज़ें मेंशन किया जाता है इन डिटेल। द डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क आर प्रिपेयर्ड सेपरेटली एंड डिस्क्राइब व्हाट द वर्क शुड बी एंड हाउ दे शैल बी एग्जीक्यूटेड एंड कंस्ट्रक्टेड, वही बात है जो पहले बोला है कि डिटेल स्पेसिफिकेशन में डिफरेंट वर्क को उस पर सेपरेटली मेंशन किया जाता है, मतलब यहाँ पे जैसे हमने जनरल स्पेसिफिकेशन में जो भी वर्क है उसको हमने ऐसे एक साथ ही मेंशन किया, एक साथ इन डिटेल बट इन जनरल मेंशन किया, लेकिन इन केस ऑफ डिटेल स्पेसिफिकेशन सब हम सेपरेटली मेंशन करते हैं एज द वर्क प्रोग्रेसेस, सो सेपरेटली मेंशन किया जाता है, और इसमें हमारा जो कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है डिफरेंट वर्क को उसको मेंशन किया जाता है, कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो सभी मेंशन किया जाता है। तो डिटेल स्पेसिफिकेशन आर रिटन टू एक्सप्रेस द रिक्वायरमेंट्स क्लियरली इन ए कॉन्साइज फॉर्म अवॉइडिंग रिपीटेशन एंड एम्बिग्यूटी। सो बात क्या है, हमारा जो डिटेल स्पेसिफिकेशन में क्या होता है वो सभी चीज़ों को क्लियरली मेंशन किया जाता है इन कॉन्साइज फॉर्म, रिपीटेशन नहीं करते कभी कोई चीज़ का, और इसको क्या करते हैं सभी चीज़ें इन डिटेल में दिया जाता है। द डिटेल स्पेसिफिकेशन आर अरेंज एज फार एज पॉसिबल इन द सेम सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर, शुड बी ऑर्डर इज ऑर्डर एज द वर्क इज कैरीड आउट। सो हम जो 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 वर्क करेंगे इन प्रोग्रेशन हम उसका स्पेसिफिकेशन बनाते जाएंगे, मतलब हमारा जो पहले अगर फाउंडेशन का वर्क हुआ तो सॉरी पहले तो अर्थ वर्क हुआ तो अर्थ वर्क का स्पेसिफिकेशन डिटेल लिखेंगे, फिर हमारा फाउंडेशन का वर्क कैसे क्या क्या फाउंडेशन चाहिए होता है वो फाउंडेशन का वर्क देखते हैं, फिर हमारा ग्राउंड लेवल में प्लिंथ एरिया में प्लिंथ का काम क्या क्या है वो हम मेंशन करते हैं, फिर सुपर स्ट्रक्चर में जाते हैं, फिर रूफ में जाते हैं, ऐसे हम इन सीक्वेंस में बनाते हैं हमारा जो डिटेल स्पेसिफिकेशन है। द डिटेल स्पेसिफिकेशन इज प्रिपेयर्ड प्रॉपरली आर वेरी हेल्पफुल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क, द डिटेल स्पेसिफिकेशन फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। सो ये आपको समझ में आ गया होगा कि डिटेल स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर किया जाता है जिसको हमारा काम करने में मदद करते हैं इसको, और ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सो एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैं डिटेल स्पेसिफिकेशन का। सो ये हमारा डिटेल स्पेसिफिकेशन का एक एग्जांपल है जो अर्थवर्क एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन ट्रेंचेस, तो अर्थवर्क एक्सकेवेशन का इन डिटेल में पॉइंट्स में दिया गया है कैसे क्या क्या स्टेप्स फॉलो किया जाता है अर्थवर्क एक्सकेवेशन में। और एक एग्जांपल देता हूँ जो सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन अगर यूज होता है तो सीमेंट एंड यूज और एज सबग्रेड फॉर फ्लोरिंग ऐसे अगर यूज होता है तो इसको कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, क्या क्या चीज़ चाहिए होता है, क्या क्या डायमेंशन, क्या क्या मेजरमेंट्स, क्या क्या प्रोसीजर मेंशन किया है यहाँ पे, जैसे कि मटेरियल्स क्या क्या चाहिए होता है, कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट, फिर वाटर, फिर हमारा जो प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट उसका डिटेल दिया गया है, फिर मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट कैसे मिक्स किया जाता है, क्या क्या टेक्निक्स फॉलो किया जाता है वो सभी अभी यहाँ पे मेंशन किया गया है, फिर हमारा वर्केबिलिटी भी मेंशन किया गया है, प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, इसका मेथड, इस सभी चीज़ों का मेथड यहाँ पे इन डिटेल दिया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट बात, जो जो काम पहले होगा वो आगे लिखा जाएगा एंड इसके बाद एज द वर्क प्रोग्रेस मतलब नेक्स्ट वर्क जो जो होगा उसके सीक्वेंस में ही हमारा जो डिटेल स्पेसिफिकेशन ये बनाया जाता है। सो मैं काम करता हूँ ये सब तो मैं रीड आउट नहीं करने वाला क्योंकि इसमें समझने वाला कुछ बात नहीं है, फिर भी मैं वीडियो को थोड़ा पॉज करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आप पढ़ सको।
सो यहाँ पे मैंने जितना हो सके मैंने इसको मेंशन किया एग्जांपल्स। अगर आपको और भी एग्जांपल्स चाहिए है तो आप बुक को रेफर कर सकते हैं, बी एन दत्ता और एम चक्रवर्ती, ये अच्छी बुक है, मैंने फॉलो किया है। सो इस वीडियो को यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे आने वाले वीडियोज़ देखते रहिए, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।